नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। तेलंगाना के उपराज्यपाल तमिलसाई सुंदर राजन ने पुडुचेरी की नई उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण करने के बाद तमिलसाई सुंदर राजन ने पुडुचेरी की नई उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार भी संभाल लिया है। हाल ही में किरण बेदी को उपराज्यपाल के पद से हटाए जाने के बाद तमिलसाई सुंदर राजन को पुडुचेरी की उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला है। आपको बता दें कि तमिलसाई सुंदर राजन ने 1 सितंबर 2019 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आदेश से तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने 9 सितंबर 2019 को कार्यभार संभाला था। हालांकि वो कभी भी विधायक या सांसद नहीं बन पाईं। उन्होंने 2 विधानसभा चुनाव लड़े जिसमें वो हार गईं। लोकसभा चुनाव में भी वो असफल रहीं। 2019 के भारतीय आम चुनाव में वो एम करुणा निधि की बेटी कनिमोझी से हार गई थी। दरअसल तमिलसाई सुंदर राजन का जन्म 2 जून 1961 को तमिलनाडु के नागर कोइल में हुआ था। तमिलसाई सुंदर राजन कुमारी अनंतन की बेटी हैं, जो संसद के पूर्व सदस्य और तमिलनाडु में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। बता दें कि तमिलसाई सुंदर राजन ने चेन्नई में एथी राज कॉलेज फॉर वुमेन में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। तमिलसाई सुंदर राजन ने MBBS की पढ़ाई मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई और डॉक्टर MGR मेडिकल विश्वविद्यालय से की है। वो पेशे से प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। तमिलसाई सुंदर राजन ने श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज चेन्नई से एक सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करके अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके 5 साल बाद वो BJP में शामिल हो गईं और राजनीति में आ गईं। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन दक्षिण चेन्नई जिला मेडिकल विंग सचिव के रूप में 1999 में शुरू किया और BJP में अलग अलग पदों पर रहीं। गौरतलब है कि तमिलसाई सुंदर राजन ने 1999 में दक्षिण चेन्नई जिला मेडिकल विंग सचिव, 2001 में राज्य महासचिव मेडिकल विंग, 2005 में अखिल भारतीय सह संयोजक, 2007 में राज्य महासचिव से तमिलनाडु राज्य BJP इकाई की सेवा की, 2010 में राज्य उपाध्यक्ष और 2013 में अखिल भारतीय BJP के राष्ट्रीय सचिव के रूप में पदोन्नत हुई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।